प्रसाद दीपावली यहाँ वहाँ लक्ष्मी महालक्ष्मी पूजन होता है। तो उस दिन जो है तब तिजोड़ियों में घर घर में एक तस्वीर रखी जाती है महालक्ष्मी की, और बड़े सुंदर सुंदर पकवानों से एक 56 भोगों से भोग लगाते हैं पूरी श्रद्धा से भाव से, और लक्ष्मी जी की मूर्ति रखते हैं और फिर दीपक जलाते हैं। भगवान जब आए थे 14 वर्ष वापस करके, तो घर घर में पूरे विश्व में दीपक जलाए गए थे। तो दीपक जलाने का बहुत फल है, क्योंकि प्रकाश जो है ज्योति से ज्योति जलाते चलो प्रेम गंगा बहाते चलो, प्रेम भी इससे बढ़ता है अपने। वैसे तो अगर आप लोग पिता की आज्ञा पालन करेंगे तो धर्म की प्राप्ति होती है, माता की सेवा करेंगे तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तो भाइयों से मिलकर चलाओगे तो विकास करते रहोगे, गुरुओं से श्रद्धा रखोगे उनकी आज्ञा का पालन करते रहोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये महालक्ष्मी का पूजन रात्रि पर लोग जागरण करते हैं, ये जाति जागरण का ही फल है। उसमें कई लोग विष्णु सहस्रनाम का पाठ, गोपाल सहस्रनाम का पाठ, कर्णधारा स्तुति का पाठ, महालक्ष्मी स्तुति का पाठ, लक्ष्मी स्तुति का पाठ, ये सारे पाठ किए जाते हैं। ये पूरी रात जागरण करते हैं लोग, क्यों लक्ष्मी कब आती हैं। हमारे गुजरात में तो अभी भी लोग 11 बजे पहले सोते नहीं, बिस्तर लगा देते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी आएंगे उसके बाद ही हम सोएंगे, और उसके बाद 4 बजे पहले जग जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी फिरुष्ट हो जाती हैं, ब्रह्म होते हैं, महालक्ष्मी से महाशक्ति आती है। तो लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो धर्म भी करते रहें, क्योंकि धर्म जो है कोई तिजोड़ी रखने की जगह नहीं है, ना कोई बैंक है, धन रखने की धर्म है, तो इसलिए धर्म भी करते रहना चाहिए। धन धन की 3 गतियाँ होती हैं, पहले धर्म, दान, फिर भोग, फिर नाश। इसलिए दान करते रहोगे हमेशा धन द्वार बढ़ता रहेगा। उसके दूसरे दिन प्रतिपदा होती है, प्रतिपदा को गायों की पूजा होती है, उस दिन गायों के स्नान कराते हैं, स्नान करा के उनको बड़ी ढंग से कई प्रकार के रंगों से रंगते हैं, उनको सजावट करते हैं, फूल माला इतना उनको पहनाते हैं, अच्छी अच्छी मालाएँ पहनाते हैं, उनको घंटा टांगते हैं। तो गायों की पूजा बहुत श्रेष्ठ है, बहुत जरूर करना चाहिए। गाय में सर्व देवता निवास करते हैं, सर्वदेव मयो गाव है, सारे देवता गाय के निवास करते हैं। और गाय ब्रह्मा जी ने इसलिए बनाई थी माता बहनों के लिए विशेष रूप से, क्योंकि माता बहनें कहाँ कहाँ मंदिर ढूंढेंगी, कहाँ कहाँ देवता ढूंढूंगी, तो सारे तीर्थी प्रतिपदा को जो है वास्तव में गाय की पूजा करने से लोगों की बुद्धि, लोगों की विद्या, लोगों की स्वस्थ स्वस्थता रहती है। गोमूत्र में सरस्वती का निवास है, गोमय में लक्ष्मी का निवास है, इसलिए गाय गोबर से अपने अपने घर दरवाजे को लीपा जरूर करो, क्योंकि लक्ष्मी जी आती हैं तो प्रवेश कर जाती हैं, हमारा ही घर है। दरिद्रता भी घर घर में आती हैं तो वापस लौटे, हमारा नहीं तो लक्ष्मी का घर है, इससे बड़ा लाभ रहता है। गोमूत्र सरस्वती का निवास है, गोमूत्र जरूर पीते रहें, और इससे निरोग भी होते हैं और बुद्धिवर्धक भी है, विद्या प्रदान करता है, और गोमूत्र में कई गुण हैं, तो गोमूत्र का पान जरूर करना चाहिए। उसके पश्चात गोवर्धन पूजा होती है, उसी दिन गाय गोवर्धन पूजा होती है। गोवर्धन पूजा में विशेष रूप सभी लोग बड़े प्रेम से करते हैं, जैसे गोवर्धन की पूजा हुई है, भगवान कृष्ण ने पूरा पूजा कराई है, सारे बाल बाल ने सब पूजा की है, और भगवान ने गोवर्धन को उठाया है, 7 दिन तक अपनी उंगली पर धारण किए रहे थे, उस समय सभी उसके पहले पूजा करने के बाद ही गोवर्धन उठाया है। तो वास्तव में ही गोवर्धन की पूजा परिक्रमा लगाने से बहुत बड़ी सिद्धि होती है, मन को शांति मिलती है, बुद्धि भी अच्छी रहती है, विद्या प्रदान करती है, गोवर्धन भगवान की कृपा है। उसके दूसरे दिन ध्वज पड़ती है, ध्वज को भाई ध्वज कहा जाता है, इसमें अपने अपने भाई बहनों के यहाँ जाते हैं और टीका कराते हैं, सभी टीका करा करके प्रसन्न होते हैं, और उसका बहुत ही फल है। मां बहन जी से आशीर्वाद लेते हैं, बड़ा प्रेम होता है आपस में बहन भाई बहन का, और कई लोग तो वहाँ विश्राम घाट पे यमुना जी में बहन भाई जो है जाकर के स्नान करते हैं, ये इसी ध्वज का ही फल होता है, स्नान करते हैं। तो उसमें बताया जाता है वेद पुराण में है, कभी यमदूत लेने को नहीं आते, तो ये भी एक प्रथा विशेष रूप से है। तो ये बहुत भाई बहन में प्रेम रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए रखना सम्मान करना बहनों का ये बहुत ज़रूरी है, तो इससे बड़ा लाभ होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएँ सारी कथाएँ ये इसी महीने में आती हैं, 15 दिन के अंदर ये सब होती हैं। और हनुमान जी जो है ध्वज तक यहाँ वैसे तो सर्वत्र हमेशा ही रहती हैं, कहीं जाते नहीं हैं, फिर इस विषय में जरूर घर घर में कोने कोने में आते हैं,
तो सभी लोग श्रद्धा भाव से उनका सम्मान करते रहें, उनकी भक्ति करते रहें, उनकी पूजा करते रहें, तो सबको लाभ मिलेगा। यहाँ सखी बेच के हनुमान जी हैं, दयालु हैं, डॉक्टर हनुमान जी हैं, यहाँ धनरगुआ में जो है